नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपके घुटनों को जो कालापन होता है उन्हें किस तरह से आसान घरेलू उपाय से हटा सकते हैं वो बताने वाली हूँ। दोस्तों, घुटनों का जो कालापन है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कारण कोई भी हो, आज मैं आपको बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताऊंगी जिनकी वजह से ये सब कारण जो है आपके कम हो जाएंगे और आपके घुटने भी बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, जिससे आप भी छोटे छोटे कपड़े पहन के अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से एनहांस कर सकते है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी बेसन और दही का। दही में और बेसन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसकी वजह से जो चेहरे का या शरीर का कालापन होता है वो निकल जाता है और आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज होती है। इसके लिए आपको 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच दही लेकर इसे अच्छे से मिला लीजिए और इसे अपने घुटनों पर या काले जहाँ पर भी कोने हैं वहाँ पर लगाकर 15 से 20 मिनटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद जब ये सूख जाए तो इसे स्क्रब करते हुए उतारिए। ऐसा करने से आपके हाथों पैर के घुटनों पर जितने भी कालापन है वो निकल जाएगा और आप बहुत ही जल्द अपने घुटनों का रंग सुधरते हुए देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बहुत ही आसान उपाय आपको बताने वाली हूँ जिसके लिए आपको चाहिए चीनी। चीनी स्क्रबिंग का काम करती है, साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चराइज करती है और शरीर का कालापन को भी हटाने में काफ़ी मददगार है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है, 1 चम्मच चीनी लेना है, दोनों को अच्छे से मिला लेना है और इसे अपने घुटनों पर रगड़ना है लगभग 5 मिनटों के लिए और उसके बाद अपने घुटनों को धो लीजिए। ऐसा करने से आप अपने घुटनों का कलर को सुधारते हुए देख पाएंगे। ये बहुत असरदार उपाय है, आप चाहे तो इसे रोजाना भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको तीसरा बहुत ही आसान उपाय बताती हूँ जिसके लिए आपको चाहिए नींबू। नींबू को आधा काट लीजिए। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जिसकी मदद से जितना भी कालापन है वो निकल जाता है। नींबू को लगभग 2 से 5 मिनटों के लिए जहाँ पर भी घुटनों पर कालापन है वहाँ पर रगड़िए और उसके बाद पानी से धो लीजिए। इस उपाय को हफ्ते में 3 बार तो कम से कम करिए और 3 बार में ही आप अपने घुटनों पर बहुत अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ असरदार घरेलू आसान उपाय घुटनों के कालेपन को कम करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। कहीं आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो मैं एक बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आपको मिलूँगी और एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।